आज आपके लिए कमाल का वॉइस रिकॉर्डर लेके आया हूँ। काफी छोटा है लेकिन काम काफी बड़ा है इसका। साथ में भी बता दो, आप इसे कहीं पर भी स्टिक कर सकते हो। डबल साइड टेप लगा के आप टेबल के नीचे, बेड के नीचे इजीली स्टिक कर सकते हो, जिससे ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। ये भी बता दो, इसके अंदर 8GB इनबिल्ट मेमोरी है। लगभग 100 घंटे का आपको बैकअप मिल जाता है। एक बार चार्ज करने पर 5 से 6 घंटा ये इजीली चल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिक्योरिटी यार पर। मेरा नाम निशान जैन है। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर दे, जिससे हमारे वीडियो के सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। अब हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसे कैसे यूज करना है इसका डिटेल हम जानेंगे। वीडियो के साथ में बने रहना। सबसे पहले जो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर है उसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेंगे। ऑडियो फॉर्मेट में इसमें रिकॉर्ड होता है। हाई कैपेसिटी रिचार्जेबल बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट लियोन बैटरी होती है। जैसे हम ओपन करेंगे तो जो मेन वॉइस रिकॉर्डर है एक ये आता है साथ में, फिर एक आता है यूएसबी केबल चार्जिंग के लिए यूज होता है, और एक ये ईयरफोन जो आप रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हो रिकॉर्ड होने के बाद, तो उसके लिए आपको ईयरफोन की जरूरत पड़ेगी। बस इतना ही इसमें आता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं जो ये वॉइस रिकॉर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3.5 जैक का पोर्ट दिया हुआ है, इसी में चार्जिंग होती है और इसी पोर्ट से आप ईयरफोन लगा के रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, साथ में पीछे की तरफ देखें तो प्लस और माइनस दो बटन दी हुई है। अब आपको बताऊंगा इसे कैसे यूज करना है। अब सिंपल है, अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो सबसे पहले जो ये ऑफ बटन है उसको ऑन कर देनी है। आपको सिर्फ स्लाइड करना है और जैसे आप स्लाइड करेंगे तो आप बैक साइड में देखिए आपको रेड कलर की लाइट दिखेगी और वो 3 बार ब्लिंक होगी, 1, 2, 3 और स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही स्टॉप हो जाएगी तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल, प्लस बटन आप दबा के रखोगे तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, माइनस दबा के रखोगे वॉल्यूम डिक्रीज होती है। अगर आपको रिकॉर्डिंग सुनना है तो बता दूंगा कैसे रिकॉर्डिंग सुनना। रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपको सबसे पहले इसमें ईयरफोन कनेक्ट करना होता है और ये जो माइनस वाली बटन है उसको 1 टाइम प्रेस करना होता है, इसे ध्यान रखना है। काफी स्लिम बॉडी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 8GB इसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है, 100 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है। साथ में इसे आपको 1 घंटा ही चार्ज करना है, 1 घंटे से ज्यादा चार्ज नहीं करना है, और एक बार चार्ज होने पर 5 से 6 घंटा ये इजिली चल जाता है। आप इसे कहीं पर भी इजिली स्टिक कर सकते हो। डबल साइड टेप लगा के आप टेबल के नीचे, लॉकर में नहीं रखना है या कहीं पर भी इसका ऑडियो हाइड हो, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। ओपन स्पेस में इसको आपको लगाना है, ओपन स्पेस में लगाओगे तो इसकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी और ये वर्क करेगा। उसको ऑफ कर दूंगा डिवाइस को। अब देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी मिलती है और ये कैसे वर्क होता है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा तो मैं सुन सकता हूँ लेकिन आपको सुनाई देगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्पीकर लगाता हूँ ऑक्स केबल के थ्रू। ऑक्स केबल मैंने स्पीकर में कनेक्ट कर लिया है और अपना जो डिवाइस है उससे मैं कनेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैंने कनेक्ट, यहाँ पे मैं डिवाइस को ऑन कर दूंगा। जैसे मैंने ऑन किया मुझे एक बार माइनस प्रेस करना है, 1 टाइम। जैसे ही प्रेस करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। काफी स्लिम बॉडी का ये डिवाइस है, काफी वाइडली यूज होता है, पावरफुल बैटरी इसके अंदर लगी होती है, 5 से 6 घंटा चार्ज होने पर चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता हूँ और वॉल्यूम डिक्रीज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी के साथ में रिकॉर्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं। सिंपल सा इसका ऑपरेशन है, बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। अगर आपको ये डिवाइस अच्छा लगा और आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।